अब आपने यह तो सुना होगा कि पुरुष से परेशान होकर महिला न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन मंगलवार को उदयपुर की जिला कलेक्ट्री में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अपनी पत्नी से परेशान होकर एक युवक ने जिला पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है और पत्नी के द्वारा दहेज मांगने की महिला थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट को खारिज करवाने की मांग की है। मयंक माली ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। मयंक ने जिला पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसकी शादी को 3 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन कभी भी दोनों के बीच पति पत्नी जैसे संबंध नहीं रहे। वह हमेशा से शक करती रही और माता पिता से अलग रहने की बात करती रही। बार बार परेशान करने और कुछ समय पहले पूरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने से पिता ने बदनामी के डर से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मयंक ने बताया कि उसके पिता ने आत्महत्या के दौरान एक नोट भी छोड़ा, उसमें सभी बातों को अंकित किया हुआ है। मयंक ने एसपी के यहाँ पेश होकर पत्नी से छुटकारा दिलवाने की मांग की है। मेरे पिता से सुंदरलाल जी माली, 2019 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी ने मुझे बोल दिया कि मतलब कि या तो माँ बाप से अलग निकल जाओ या मैं आपको तलाक दे दूँगी उसको, और ना मैं तुमसे कोई संबंध बनाऊँगी। और यही बात काफ़ी टाइम तक चलती रही और मैं उसे समझाता रहा, वो समझी नहीं, वो मेरे चरित्र पर शक करती रही और मेरे किसी भी दोस्त हो या मेरे कज़िन सिस्टर हो सबके वो लेकर शक करती थी कि मेरे इनसे कोई ना कोई संबंध है। और मेरे साथ में शादी के मतलब वो 3 साल के अंदर 6 महीने भी मेरे साथ में नहीं रही, और विगत तो अभी पिछली जुलाई में भी वो थाने में चली गई थी, समझा बुझा के उसको घर पे लाए थे, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बने और वापस जुलाई 2021 को वो चली गई, वापस आई नहीं। और अप्रैल और इसी बीच में पापा कितनी बार उसके घर पे भी गए उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो लड़की साहब मना कर देती थी कि मुझे इस लड़के के साथ में रहना ही नहीं है, और उसके पापा धमकी देते थे कि तुम इनको लेके नहीं गए तो मैं आपको तलाक का केस कर दूँगा। इस चक्कर में मेरे पापा काफ़ी दबाव में थे, डिप्रेशन में थे, और अभी कुछ टाइम पहले ही महिला थाने में उसने हमारे खिलाफ़ झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया कि हमारे साथ हमें मुझसे दहेज मांगा गया और मेरे से मारपीट करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी उससे कभी कोई दहेज मांगा गया ना मारपीट की गई। 22 जून को इसका जितना भी जो सामान था घर पर वो हमने सब थाने में जमा करा दिया, और उस टाइम ये हमसे समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये की डिमांड करने लग गए। इससे मेरे पिता काफ़ी दबाव में थे और डिप्रेशन में थे, और 28 जून को सुबह उन्होंने खुदकुशी कर ली, और वो जो लिख के गए हैं उसका भी हमें कुछ पता नहीं है, उसमें उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, और क्या कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया कि उस लेटर के अंदर क्या था। पापा ने आपकी आत्महत्या की क्या कारण? कारण यही था कि मतलब कि जो दहेज का और झूठा मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया, उस चक्कर में पापा काफ़ी दबाव डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि पापा ने उसको अपनी बेटी से बड़ी बढ़कर रखा था और मम्मी ने भी काफ़ी प्यार किया था, लेकिन जो झूठा दर्ज किया उसने मुकदमा, उससे पापा काफ़ी अंदर से परेशान हो चुके थे और पैसों की भी डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि हमें 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, हमारे पास हमें इतना पैसा दे दो तो हम तुम्हें एक केस हटा देंगे। उससे पापा काफ़ी दबाव में थे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठा केस दर्ज करते हैं उनके ऊपर पुलिस पहले कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तो पुलिस वाले भी समझते हैं इंसान को देख के कोई इंसान कैसा है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है। उस लड़की पापा ने 28 जून को सुसाइड किया था।